आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार, आप टीडी न्यूज पर क्राइम इन कैमरा देख रहे हैं। दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। पटना में हुई हत्या की इस घटना के बाद से तनाव का माहौल है। पुलिस के मुताबिक हत्या की इस वारदात को आपसी रंजिश को लेकर प्रतिशोध में अंजाम दिया गया है। पुलिस ने हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। दरअसल राजधानी पटना के सिटी इलाके में अपराधियों का तांडव जारी है। ताजा मामला सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के दरगाह रोड करबला का है, जहां दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। आनन फानन में गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान दानापुर के तकिया पर मोहल्ला निवासी मोहम्मद अमजद के रूप में की गई है। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। बताया जाता है कि मोहम्मद अमजद अपने दोस्त मोहम्मद ललवा के दरगाह रोड स्थित घर में आयोजित एक शादी समारोह में भाग लेने दानापुर से पटना सिटी आया था। शादी समारोह में भाग लेने के बाद वह अपने दोस्त के साथ बाइक पर सवार होकर दानापुर लौट रहा था। उसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने उसे गोली मार दी, उससे उसकी मौत हो गई। घटना के संबंध में पूछे जाने पर मृतक के दोस्त की भाभी और घटना की प्रत्यक्षदर्शी हिना खातून ने मोहल्ले के भी भोदवा नामक युवक और उसके दोस्तों पर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है।